दौलताबाद के मोहब्बता तालाब के नदी पात्र पर किए गए अतिक्रमण को लेकर दबंग मीडिया कई बार आवाज उठाता रहा है। इससे होने वाली समस्याओं का संकेत प्रशासन को देता रहा है, लेकिन प्रशासन की हठधर्मी जारी रही। अब नतीजा ये हुआ कि दौलताबाद में तेज बारिश होने के बाद लोगों के घरों के साथ साथ दौलताबाद के पुलिस थाने में ही पानी घुस गया है, जिससे पुलिस कर्मियों को नाहक तकलीफों का सामना करना पड़ा है। दबंग मीडिया अनगिनत बार शासन और प्रशासन को गुहार लगाता रहा कि दौलताबाद के नदी पात्र पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की नाअहली और हठधर्मी के चलते आज खुद दौलताबाद पुलिस थाना पानी की चपेट में आ गया है। फरीजे की रिपोर्ट, दौलताबाद। दौलताबाद गांव मुंबता तालाब पे किया गया अतिक्रमण और मुंबता तालाब से लेकर जो नाला बहते हुए निकलता है अपनी मंडी से आगे के लिए, इसके लिए बार बार लगाई गई हमारी न्यूज़ों का, आज प्रशासन ने दखल नहीं लेने का नतीजा ये निकला कि दौलताबाद पुलिस थाने के अंदर पानी भर चुका है। पानी भर जाने के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड के जरिए पानी निकाला जा रहा है और उसके अलावा तहसीलदार साहब और तमाम अधिकारी यहाँ पर पूरा लाव लश्कर लेकर मौजूद है। इतना सब हो जाने के बावजूद भी एक बड़ी कार्रवाई नहीं होने के पीछे वजह क्या है पूछती है जनता, पूछता है दबंग मीडिया। हमारे साथ ग्राम पंचायत के पूर्व मेंबर जहांगीर पठान जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे थोड़ी अतिक्रमण के विषय के अंदर। जहांगीर भाई, क्या आगे की कैसा अतिक्रमण है, आपने कुछ इसके ऊपर आपकी मंडी के ग्राम पंचायत आवाम की जानकारी से आप क्या बोलना चाहें? हमारे पास जो है तो उधर के अतिक्रमण के लिए जो है तो कुछ अर्ज भी आए हुए हैं, कुछ जो है तो आस पास के लोगों ने दिए हुए हैं, उसके ऊपर हमने वो भी करे, लेकिन वहाँ पर जो भी लोग हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण का आरोप है उनका कहना ये है कि हमारे जो है तो 7-12 के अंदर हमारी मालकियत के अंदर ये नाला आता है, हमारे तरफ से जैसा इसको कोई तरीके से दबाया हुआ नहीं है। और बाकी का तरफ से देखा जाए तो नाला 50% से ज़्यादा 60% दबा दिया गया है और सिर्फ 40% रह हुआ है और पानी का बहाव जो है तो 100% वहाँ से आ रहा है, उसको पानी को छूटने के लिए कोई वो नहीं है। इसलिए जो है तो हर तरह से हम तो उसके लिए तैयार है, क्या शासन हमें कोई निर्णय ऐसा दे कि हम वो नाला एक तरफा करके जो है तो दिए। शासन का पूरा अधिकार हमें कभी मिलता है तो ग्राम पंचायत दौलताबाद की रफ्ती मंडी के वो है तो रास्ता पूरा साफ करें और आगे से ये प्रॉब्लम ना आए, ये हमारे तरफ से हो रही है। जी बिल्कुल, इस विषय के अंदर केवल हुई सियासत, कल आए हुए हमारे दौलताबाद के अंदर बड़े बड़े अधिकारी जिसकी एक जो है तो अभी न्यूज़ भी आई थी परसों कल के रोज़ कि यहाँ पर बोटिंग शुरू की जाएंगी, सारी चीज़ें शुरू की जाएंगी, ये बातें सिर्फ दिशा भूल करने की हद तक की है। जो रियल मुद्दा है, ओरिजिनल मुद्दा है, वो है अतिक्रमण। आवाम की जान की हिफाजत के लिए सरकार ने इस ओर बड़ा कदम उठाना चाहिए। विभागीय आयुक्त साहब के मार्गदर्शन के अंदर यहाँ पे तमाम तरीके का अतिक्रमण हटाना चाहिए और लोगों की जीवित हानि होने से ये एक संकेत मिल रहा है बार बार, जिससे आने वाले टाइम के अंदर कोई बड़ी हानि लोगों को ना पहुँचे। मुंबत्ता तालाब से लेकर के अब्दी मंडी तक का जो पूरा पानी का सिस्टम है बीच में उसको रोक के रखा गया है, आगे की ओर की गई पूरी जो नाली का जो सिस्टम है पूरा पानी रुक गया है। आज उसी का नतीजा ये है कि खुद प्रशासन आज इसका हर्जाना भुगत रहा है, पूरा पुलिस थाने के अंदर पानी लबालब भर चुका है। और हम और दौलताबाद के आवाम की तरफ से मैं दबंग मीडिया से फरीद शेख खुसूसी मांग करूँगा, इस मामले के अंदर माननीय विभागीय आयुक्त साहब इन्होंने खुद दखल लेके इसके अंदर जो अधिकारी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करें। मैं दबंग मीडिया से फरीद शेख, दौलताबाद। बहुत बहुत